एक बात यहाँ समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका शूट अच्छा नहीं होगा तब तक एडिटिंग भी अच्छी नहीं हो सकती। तो अच्छी एडिटिंग के लिए अच्छा शूट होना, क्वालिटी शूट होना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, यानी कि अब इंडिया में लॉकडाउन 3 मई तक और रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है हम घर से बाहर अभी भी नहीं निकल सकते हैं, तो घर पे बैठे बैठे अभी क्या किया जाए यही मैं सोच रहा था। और बहुत समय से, पिछले कई समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि एडिटिंग आप बड़ी अच्छी करते हो, आपकी एडिटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, एडिटिंग कहाँ से सीखी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एडिटिंग की जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। बड़ा नज़ाकत से समझने वाला सब्जेक्ट है ये एडिटिंग, और यहाँ मैं ओवरऑल फिल्म मेकिंग की बात करूँगा क्योंकि वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडिटिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, तो वो भी उसी का ही हिस्सा है। तो इसकी बिगिनिंग कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो मुझे लगता है आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होती है बाकी चीज़ों को समझने के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वही बातें करूँगा, वही सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने चीज़ें अप्लाई करी अपने काम में एडिटिंग से रिलेटेड या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ। और कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत टिप्स आपको बता पाऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप लोग ट्रैवल वीडियोज़ बनाते हो या ब्लॉग्स बनाते हो तो मे बी आपके काम आ जाएंगी वो सारी चीज़ें। और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ प्री प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि शूट के दौरान जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या मैं ट्रैवल ब्लॉग शूट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, जैसे इंटरनेट पर रिसर्च करना। अगर मैं किसी जगह ट्रैवल ब्लॉग शूट करने जाता हूँ तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज मैं इंटरनेट से पहले ले लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूँ वहाँ जाकर, वहाँ मुझे कहाँ पे जाना है, कौन कौन सी बेस्ट जगह है वहाँ घूमने के लिए, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये करते होंगे। उसके बाद स्क्रिप्टिंग, मैं थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग भी करके रखता हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर लोगों से मिलूंगा या मैं वहाँ क्या बात करूँगा। इंटरनेट पर अगर मैं पढ़ता हूँ तो उन्हें लिख के रख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वो सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं तो आप कैमरे के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो, आप हिचकिचाएंगे नहीं, जो कि एक अच्छे ट्रैवल ब्लॉग को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट, यानी कि जो हमारा कैमरा है, हम क्या शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं। क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी से मेरा मतलब एक अच्छे महंगे कैमरे से नहीं है। अगर अच्छा कैमरा होगा तो डेफिनेटली आपकी वो शार्पनेस अच्छी होगी, आपकी लाइटिंग अच्छी होगी, आपके कलर्स अच्छे आएंगे, बट क्वालिटी का मतलब ये है कि आप शूट कैसे कर रहे हो। स्टेबल शॉट्स निकालने के लिए मैं हमेशा ट्राइपॉड का इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं अपने DSLR कैमरा से शूट करता हूँ। और अगर मैं GoPro से शूट कर रहा हूँ तो ये G5 Futek गिम्बल है मेरे पास, जिसका यूज़ मैं करता हूँ शॉट्स निकालने के लिए, तो काफ़ी अच्छे स्टेबल शॉट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं किसी महंगे कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम फ़ोन से भी शॉट्स निकालते हैं तो वो कैसे स्टेबल आने चाहिए। तो जब भी आप फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपने कैमरा किस तरह से पकड़ा हुआ है, फ़ोन किस तरह से पकड़ा हुआ है। सपोज़ मुझे पैन शॉट लेना है या टिल्ट अप टिल्ट डाउन शॉट लेना है, तो मैं कैमरे को बहुत ही आहिस्ते से घुमाऊंगा कुछ इस तरीके से, और सिर्फ अपने हाथों के मूवमेंट पे ध्यान दूंगा। आप सिर्फ हैंडल शॉट शूट कर रहे हैं अपने फ़ोन से तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी पे कितना आपका कंट्रोल है, क्योंकि आपकी बॉडी जब आपके कंट्रोल में रहेगी तभी आपके अच्छे शॉट्स निकल पाएंगे। ये वैसे धीरे धीरे आप जब करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। खासतौर से बिगनर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप लोग शुरुआती दौर पर शूट कर रहे हैं, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं महंगे कैमरे पर, आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपको कैसे स्टेबल शॉट लेने हैं। और उसके लिए आप गिम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरनेट में आपको आराम से मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल फ़ोन गिम्बल्स वैसे भी बहुत सस्ते हो गए, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। फ्रेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका फ्रेम आपने जहाँ सेट किया है तो आपको अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स मिले। सपोज़ एक लैंडस्केप है, एक पहाड़ है, मैंने उस पहाड़ का फ्रेम सेट किया दूर से खड़े होकर वाइड एंगल लेंस लगाकर। मुझे उस फ्रेम को अच्छा बनाने के लिए ये देखना है कि उस फ्रेम के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें ना हो, जैसे कि रोड पे कचरा ना पड़ा हो, बगल में कोई कुत्ता ना सो रहा हो, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक बात यहाँ समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका शूट अच्छा नहीं होगा तब तक एडिटिंग भी अच्छी नहीं हो सकती। तो अच्छी एडिटिंग के लिए अच्छा शूट होना, क्वालिटी शूट होना बहुत ज़रूरी है। प्री प्रोडक्शन में आपने अच्छा शूट किया तभी जाकर पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसकी एडिटिंग अच्छी कर पाओगे। और अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन।
पोस्ट प्रोडक्शन में आती है एडिटिंग। ये समझ लो कि बस एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि हमें पूरी सफाई करनी है चीज़ों की, और साफ़ करने के बाद जो बेस्ट पार्ट है आपके शूटिंग स्टफ़ का उसे कंपाइल करना है, और वो तभी हो सकता है जब आपका कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग हो। ये मेरा मानना है कि एडिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑडियंस है यानी कि जो आप लोग हैं, जब आप घर पे बैठकर कोई वीडियो देखते हो या टीवी शो देखते हो या रियलिटी शोज देखते हो या कुछ भी मूवीज़ देखते हो, तो अगर उस वीडियो में आपको कुछ भी एब्रप्ट लगा या कुछ भी म्यूज़िक का झटका आ गया या कुछ सडनली म्यूज़िक चेंज हो गया या विजुअली कुछ झटके आ गए, तो आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ये होता है कॉमन सेंस जो हर किसी के अंदर होता है। जब तक चीज़ें स्मूथ हैं, जब तक साफ़ सुथरी स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, तब तक आपको अच्छा लगेगा, और बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप तुरंत पकड़ लेते हो। जबकि ना ही आप किसी क्रिएटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप ऑडियंस हो, आपको देखते सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ब्लॉग्स बनाते समय मैं हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि ओवरऑल वीडियो कैसा दिख रहा है। वीडियो को हमेशा मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ अपने दिमाग में, मतलब तीन सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि वीडियो शुरू कैसे हो रहा है, वीडियो के बीच में वो कैसा लग रहा है, और उसका क्लाइमैक्स कैसा है। तो ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो वो बैलेंस करके हमें चलना पड़ता है जब आप ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देखते हैं, यानी कि अपना कॉमन सेंस आप खुला करके वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। उसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के दौरान जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो होती है स्टोरी टेलिंग, कहानी। स्टोरी टेलिंग बहुत मायने रखती है एक अच्छा ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए या एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। स्टोरी टेलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो आप उसे शूट के दौरान ही कर सकते हो, यानी कि जिस समय आप शूट कर रहे हो तब आपका स्टोरी टेलिंग अच्छा हो, कैमरे के सामने आपने पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से बयान करी हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं शूट के दौरान कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना भूल जाता हूँ या बेहतर तरीके से नहीं कर पाता हूँ। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो अपनी स्टोरी टेलिंग को आप यहाँ और बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं एडिट में आकर, यानी कि आप वॉइस ओवर के थ्रू अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। वो स्टोरी नरेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं काम करता हूँ, फाइनल कट प्रो एक्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ, और जिस वर्जन पर मैं काम करता हूँ वो है फाइनल कट प्रो एक्स 10.3.1। ये थोड़ा सा पुराना है, मुझे इसको अपग्रेड करना है, जल्दी कर लूँगा। और हम बात कर रहे थे कहानी की यानी कि स्टोरी टेलिंग की। पोस्ट प्रोडक्शन में यानी कि एडिट के दौरान मैं यूज़ करता हूँ बोया माइक, बोया M1। और एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जिस भी रूम में आप अपना एडिट कर रहे हो, जहाँ पर आपका सेटअप लगा है, अगर आप वहाँ पर वॉइस ओवर करते हो तो खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखो, इवन फ़ैन को भी बंद कर दो, और उसके बाद वॉइस ओवर करो। उससे होगा ये कि आपका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज़, इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, तो उससे बचने के लिए आप खिड़की दरवाजे बंद रखो, ताकि अच्छे से आपका जो वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड हो पाए। यूजली मैं जब वॉइस ओवर्स करता हूँ अपने ब्लॉग के लिए, तो मैं रात का समय चूज़ करता हूँ, यानी कि 12 बजे या 1 बजे के बाद, तब बिल्कुल सन्नाटा होता है बाहर, रोड पर गाड़ियाँ वड़ियाँ नहीं चली होती, हालांकि अभी वैसे भी नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन है। लेकिन आमतौर पर जब मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ तो रात का समय ही चूज़ करता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आती है, सड़क का शोर शराबा नहीं आता, तो आप कर सकते हो, जितना आप बचा सकते हो कोशिश करो बचाने की, तो उससे वॉइस ओवर की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी और वो सुनने में भी अच्छा लगेगा लोगों को। और वॉइस ओवर करते कैसे हैं, उसका क्या तरीका होता है, किस पिच में बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में कभी। और उसके अलावा एक अच्छे ट्रैवल ब्लॉग में बीरोज़ का बहुत बड़ा एक रोल होता है, यानी कि अच्छे शॉट्स निकालना और उसे एडिट में अच्छे तरीके से यूज़ करना। जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मेरी टाइमलाइन जो होती है उसमें आपको बीरोज़ बहुत ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि जो मेरा नरेशन होगा, जो मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ उस दौरान मैं विजुअली चीज़ों को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ, रादर देन कि मैं अपना चेहरा ज़्यादा दिखाऊँ, ताकि आप उस लोकेशन को और ज़्यादा अच्छे से देख पाओ, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, और उस वीडियो से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाओ। मैं जिस तरह बीरोज यूज़ करता हूँ अपनी टाइमलाइन पे, वो कुछ ऐसा होता है। ये वाली लेयर जो आप देख रहे हो, ये मेरे ब्लॉग वाली लेयर है जिसमें मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, और उसके बाद ऊपर वाली लेयर में ये सारे बीरोज मैंने लगा रखे हैं। तो बस थोड़ा सा ब्लॉग आता है मेरा, और उसके बाद ब्लॉग अंडर ले यानी नीचे की तरफ चलता रहता है, और मैं ऊपर सिर्फ बीरोज लगाता हूँ। जैसे मैं उस छोटे से कैफ़े के अंदर गया और मैंने वहाँ के छोटे छोटे कटअवेज दे लिए, जहाँ पर वहाँ पिक्चर्स लगी हुई हैं या वहाँ बुक्स रखी हुई हैं या ऐसा कुछ घड़ी लगा हुआ है, यूनिक एंटिक, ये बाइक का साइलेंसर लगा हुआ है, ये कोई बैठकर पानी पी रहा है, तो इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ऑब्जर्व करने हैं आपके पास जो भी हो रहा है, और उसको शूट करना है, और उसे आप अच्छे से बाद में एडिट में यूज़ कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी है प्री प्रोडक्शन के समय में, यानी कि
शूट करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीरोल्स निकालने हैं अगर आपको अच्छा ट्रैवल व्लॉग बनाना है। ऐसा ना हो कि आप एडिट करने बैठे और आपको लग रहा है यार ये तो मैंने 4 शॉट निकाले थे बस अब क्या करूँ, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं, चलो व्लॉग डाल देता हूँ, अपना व्लॉग दिखाता हूँ। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीरोल्स का एक बहुत बड़ा रोल है ट्रैवलिंग वीडियो में, जिससे आपका वीडियो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखो जो मैंने लॉकडाउन वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने पोइट्री नरेट करी थी एक। वो पोइट्री अगर मैं चाहता तो सिंपल सिर्फ कैमरा सामने रखकर नरेट कर सकता था, लेकिन उसको और ज़्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मैंने ढेर सारी पिक्चर्स कलेक्ट करी, इंटरनेट से पिक्चर्स निकाली, बीरोस उस बुक के शूट करे, किताब का फ्रंट बैक और ढेर सारे पिक्चर्स जो उस सिचुएशन से रिलेटेड थे वो मैंने इंटरनेट से ढूंढे और उस पोइट्री के साथ मैंने उसे इनकॉर्पोरेट किया। एडिटिंग में जाकर जो मैंने उसके साथ ट्रीटमेंट किया उसके बाद मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। जब उसका ग्राफ था वो अगर यहाँ पर था तो उस म्यूज़िक और बीरोस के साथ ऐड होकर वो और ऊपर चला गया। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायल शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। तो ये फर्क पड़ता है एक अच्छे एडिट से, आपका वीडियो का लेवल कहीं और चला जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें एडिट में याद रखनी है, वो है म्यूजिक सिलेक्शन। जब भी आप म्यूज़िक सिलेक्ट करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपके कंटेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये आपको शुरू में ही करना है, क्योंकि आपने पूरा एडिट कर दिया सिर्फ कोई भी रैंडम म्यूज़िक लेकर और आपको बाद में ऐसा लग रहा है कि वो म्यूज़िक वर्क नहीं कर रहा है तो आपका टाइम एनर्जी सब बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको फ्री नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जहाँ से आप फ्री म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं अपने वीडियो को उन म्यूज़िक को यूज़ करके, जैसे ऑडियो लाइब्रेरी हो गया, व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूज़िक हो गया, तो वहाँ से आप म्यूज़िक पिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने पिछले कुछ ब्लॉग से एपिडेमिक साउंड यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, कुछ $15 के आसपास आता है। अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये एडिटिंग जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये डिटेल में समझने वाली चीज़ है। तो म्यूज़िक को कैसे कट करते हैं, म्यूज़िक मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में जो मैंने थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड टिप्स दी आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। और अगर ये यूज़फुल लगा है, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके काम आएंगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, मैं भी बाहर नहीं जा सकता, आप भी बाहर नहीं जा सकते, पूरा इंडिया लॉकडाउन है, तो घर पे बैठकर एक दूसरे से जुड़े रहने का मुझे लगता है कि अच्छा तरीका ये। मैं इस तरह की जो और भी टिप्स हैं एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स हैं तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो तभी मैं बनाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ये ज़रूर बताओ। और आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।